Okay, thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Wonderful. Done? जी सर, ये हम लोग yes, हम लोग 50 साल पुराने दोस्त हैं। अरे ये तो सब मजाक की बात है, ये मजाक की बात है, हम सब बात है। भाई नमस्कार, सबने राम राम और सबको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। यस, और आज जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम तीनों दिल्ली थिएटर पे एक साथ थे, ऑफ कोर्स दे आर माय सीनियर्स, पर हम थिएटर एक साथ करते रहे। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक इंसान जो थिएटर करता था, बेसिकली ही इज़ एन इंजीनियर फ्रॉम पिट्स पिलानी, वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट फ्रॉम देयर। आई नो इट बिकॉज हम फिल्म फेस्टिवल्स के लिए कई बार वहाँ जाते थे, तो हमने सुना देखा, एंड ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स देयर। और थिएटर में के शौकीन थे, फिर उसके बाद अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए, हम लोग सब मुंबई आ गए। और बहुत साल पहले योगेश जी से मैं मिला, जब बॉम्बे आए तो सबको मिले, मुझे भी मिले, और उसके बाद फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, मिले नहीं। और बहुत अरसे के बाद जब फ़ोन आया और इन्होंने मुझे बताया कि एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और डायरेक्ट करने जा रहे हैं, और एक छोटे रोल की ऑफ़र भी की थी, तो मैंने बोला कि ऐसा रोल नहीं करता हूँ। पर आज बड़ी खुशी है कि ये जो फिल्म है अ विंटर टेल एट शिमला, अ योगेश वर्मा फिल्म, सो ये जब हम पोस्टर देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और योगेश को तो बहुत बहुत बधाई और इनकी पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं कि ये फिल्म अच्छे से रिलीज हो, लोग देखें, लोग पसंद करें। जो सब्जेक्ट इन्होंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट आपको सच बताऊं तो इन्होंने जो वन लाइन बताया, मैं कुछ राइटर्स जब मुझे बोलते थे कोई आइडिया है आपके दिमाग में, तो मैं बोलता था इस तरह का कुछ लिखो। सो अभी भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, हरी इच्छा ये फिल्म चले और बहुत सारे लोग देखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यू आस्क देम वेयर इज दिस इवेंट गोइंग ऑन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हॉल, है कॉलोनियल हॉल, कॉलोनियल हॉल, दूसरा वाला, हां यू जस्ट कम इमीडिएटली, सेकंड एंट्री, मैं आपका नाम अनाउंस कर रहा हूं, यू हैव टू गिव योर बाइट, ओके। तो मेरे एक दोस्त है, अच्छे वेल नोन फिल्म प्रोड्यूसर, वो भी मेरा कॉलेज का दोस्त है, मनीष शंकर, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने फिल्में बनाई थी, बहुत अच्छी फिल्म, बहुत फिल्में बनाई उन्होंने। वो भी हैदराबाद से आया है आज मुझे हौसला अफजाई करने के लिए, वो अब पहुँच गए हैं। तो या आई एम वेरी हैप्पी, या एक्चुअली क्या है कि जब अपने जितनी खुशी दोस्तों के साथ आती है ना, जैसे अब बीरू पवन और भी हमारे बहुत प्रिय मित्र थे, वो तो गुजर गए, विनोद दुआ, मैं उनके बारे में ज़रूर याद करूंगा आज, क्योंकि मेरा बहुत अजीज मित्र था, हम सबका बहुत अजीज मित्र था। सुधीर मिश्रा जी आज नहीं आ पाए, सुधीर मिश्रा भी बहुत अच्छे, हम चारों पांचों लोग, हम एक ग्रुप था, सुधीर मिश्रा तो आज आ नहीं पाए, लेकिन विनोद जी की पिछले साल कोविड में बड़ी ट्रेजिडी हो गई, वो चले गए, आपने सुना होगा नाम, बहुत बड़े टीवी जर्नलिस्ट थे विनोद दुआ। तो हम सब एक ही चट्टे पट्टे थे, किसे कहते हैं, व्हेन वी वर यंगस्टर्स वी वर ऑल द टाइम हैंगिंग टुगेदर। तो लेकिन जिसे लाइफ की डेस्टिनी होती है, कोई किसी दिशा में निकल गया, तो आज हम आम तो सिर्फ कह सकते हैं कि हम सब लोगों के बीच में एक ही बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी था, जिसका कि नाम था योगेश वर्मा जिसको हम यू यू कह करके बुलाते थे, और इतना हार्ड वर्किंग आदमी था
काम भी करके आता था और फिर सारा थिएटर का भी काम करता था और हर वक्त ऑल द टाइम ही वॉज देयर। और इतने भद्र नहीं थे जितने आज लग रहे हैं, कम कम आज लग रहे हैं, सब याद भी लग रहे हैं। मैं सुन रहा था सारी, तो इनको भी इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अभी बताया मैंने आपके लिए, मनीष शंकर से समथिंग फ्यू थिंग्स। Hi, good evening. The pleasure being here. I must tell you that Yogesh Verma is my classmate. We studied together in college. Amazing guy. He was always good in theatre. And then he went in to do all kinds of corporate work. He became president of big companies and now he's come back and making films. I'm very proud of it. It's a long journey for him and a very creative journey. He's worked with a lot of passion. I know this film. When the first time he came out with the script and the idea, he told me it was an amazing idea. And we sort of interacted with that, brainstormed on that for a while. And I've been a silent spectator in every part of this film when you know, he used to talk to me, though I never went to the set and not part of it. I'm a filmmaker myself, and as you know, I've done 5 Bollywood films. My last movie is Knockout with Sanjay Dutt, Kangana Ranaut, and Irfan Khan, my dear friend Irfan, passed away as a writer-director for that. The first movie was 16 December, which is, as all of you guys know, a lot of you might have seen it. So it's a great pleasure to be here and to be a part of this event and to support my good friend Mr. Yogesh Kumar Verma in this act of passion. You may call it act of foolishness, foolhardiness. Aadmi pagal hai, sanki hai, aisa kaun paisa kharch karta hai itne achhe itne project pe. Aap soch rahe honge ki ye aisa hai ki matlab khud ka paisa uda diya hai. You may think of all these things, but passion industry ko chalata hai. And this is the passion which will turn into profit. This is the passion that it has to be there in every filmmaker, every story writer. Ye to hona chahiye. And I pray to God that this movie becomes a hit, becomes a success, and enables many people to be equally passionate about their thoughts and to be able to serve this this industry, to serve the public, and to create products which are out of the box, products which can entertain, inform, and enthrall the audience. So God bless this project and all the best to you guys. Okay. Thank you, Shankar. Thanks. Okay, thank you so much. All right. We go inside now. Hi, Shankar. Manish ji, sir. Guys, please have a leadership project. See what he's done. And if he deserves it, give him the success that he really deserves. This is my prayer. Very good. मनीष सर और बताइए, बहुत 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 प्रॉब्लम बताया आज, एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के ऐसे से भी बहुत जरूरी है किसी को इतना पैशनेट होना, और वाकई गिव बिगेंड जोरदार ताली में चाहिए, माँ कसम दोस्त होते ऐसे हो। सो बहुत अच्छे, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन ऑफ कोर्स द फिल्म इज नॉट सीन येट, देयर इज नो प्रीव्यू हियर, वी ओनली हैव अ ट्रेलर, बट आई एम एज अ मेकर सो हैप्पी कि जो मैंने कंसीव किया था कहानी में, किरदार जो मैंने बनाए थे, ट्रू टू लाइफ ईच वन ऑफ देम हैज़ ब्रॉट देम आउट वेरी वेरी वेल। क्योंकि मेरे को आज ही किसी वन ऑफ योर प्रेस फ्रेंड्स आस्क्ड मी कि हाउ मच आर यू हैप्पी, मैंने कहा देयर कुडंट हैव बीन अ बेटर फिल्म, आई थिंक आई हिट द नेल, जो कहानी मेरे दिमाग में थी वो कहानी बहुत बेहतरीन बनी है, और ऑल द एक्टर्स हैव परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली, दे आर एनी वे वेल नोन गुड एक्टर्स, I give them all credit, and we have these youngsters Angad and we have Nikita. पर ये बीच पॉइंट क्या हुआ आपकी कहानी का, आपने खुद लिखी है इस कहानी की, बीच पॉइंट होता है ना जिसके कारण आप शुरुआत करते हैं कहानी की? पहली कहानी पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि लड़का कहता है यंगस्टर कि a man is known for his struggles, कि जिंदगी में वो स्ट्रगल कितनी की अपनी ड्रीम को हासिल करने के लिए, ड्रीम हासिल हुई या ना हुई, जो वो उसकी पहचान बनती है उसकी स्ट्रगल से, सो मैन इज नोन फॉर हिज स्ट्रगल्स। तो लड़की कहती है ठीक है तुम्हारे लिए ठीक होगा, फॉर द बॉय इट्स ऑल राइट नो बीइंग नोन फॉर योर स्ट्रगल्स, बट फॉर अस इट्स ओनली अ ड्रीम वर्सेज डेस्टिनी, द वेमेन आर कंसाइंड, दे गेट पुश्ड टू देयर डेस्टिनी,
दे कैनॉट स्ट्रगल. ये एक्चुअली मेरे को एक बार मेरी बहन ने बताया, मेरी बड़ी बहन है, शी इज़ वन ऑफ द ग्लोबली एक्नॉलेज्ड मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड, शी इज़ वेरी वेल नोन एज अ मैथमेटिशियन, ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट उसको. तो वैसे हम बात कर रहे थे, तो कहेंगे तेरे साथ क्या है भाई, तेरे को तो हर चीज़ मिली, हम लोगों को क्या मिला, हमने तो अपनी चीज़ हर बनाई और फिर भी मैं आज वहाँ नहीं हूँ जो मैं जाना होना चाहती थी. तो हमारे लिए तो एक स्ट्रगल रहती है, स्ट्रगल बिटवीन योर ड्रीम्स एंड डेस्टिनी. लड़की नहीं हीरोइन बन सकती. कोई आदमी बॉम्बे से आए, बॉम्बे आके स्ट्रगल करता है तो घर वाले भी प्राउडली कहते हैं मेरा बेटा बॉम्बे की सड़कों पे रह के, प्लेटफॉर्म पे रह के जी के उसने बहुत बड़ा करियर बना लिया, बड़ा अच्छा लगता है. कोई कह सकता है बाप कि मेरी लड़की जाके प्लेटफॉर्म पे सो के उसने फिल्म बनाने का उसका दिमाग में ऐसी फीलिंग थी या वो इतना उसमें जज्बा था? तो ये द वर्ल्ड इज इनहेरेंटली अगेंस्ट द गर्ल, अगेंस्ट द फीमेल. और ये लड़की जो है ये बहुत चुलबुली, वेरी विवेशियस, वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ, शी इज ऑलवेज विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, टू एडवेंचर व्हेन शी इज यंग. बट व्हेन शी गेट्स मैरिड एंड नॉट टू द बॉय शी वांटेड टू गेट मैरिड, शी इज कन्फाइंड, शी इज केज्ड. अब चारों तरफ से वो शी इज मैरिड टू अ DIG हु लिव्स इन द पुलिस लाइन्स. पुलिस लाइन्स में तो सब मिसेस सो एंड सो, मिसेस सो एंड सो, शी इज बिकम मिसेस सो एंड सो एंड शी इज वेरी हॉस्पिटेबल, शी इज वेरी वेल नोन, शी इज वेरी ग्रेशियस. But she has got no other person or personality left. वो बहुत regress कर जाती है. और इसी दौरान ये जो पुराना इसका friend होता है वो आता है, मिलता है. वो अब एक बहुत बड़ा scholar बन गया है और वैदिक मैनेजमेंट दुनिया को टीच कर रहा है कि वैदिक मैनेजमेंट क्या है, नया जीने का तरीका क्या है, कंपनियों को चलाने का नया क्या तरीका है. तो इन दोनों की जब मुलाकात होती है, ये धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली में सेट हुई है और अपनी फैमिली की आइडेंटिटी, फैमिली की द होम, शी सेज माय होम, माय आइडेंटिटी, माय फैमिली, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. अब उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है. और आदमी दोबारा आ गया तो ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ भूल के उसे जाके उसके गले में लिपट गई, ऐसा नहीं. शी कैनॉट, तो शी इवन रिफ्यूज टू रिकगनाइज हिम फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरी ज़िंदगी अब ठीक चल रही है, मेरी ज़िंदगी दोबारा मत आना. और फिर धीरे धीरे ऐसा मौका बनता है, कहानी का प्लॉट ऐसा है कि दे मीट, दे इंटरेक्ट. Or it's about true love, and in true love, what they say is there are no claims at each other. आप true love में claim नहीं कर सकते एक दूसरे को. True love is about yearning, about sacrifice, about separation. True love is not about getting what you want. बिल्कुल सही बात. अधिकतर लोग ये कहते हैं कि प्यार में हमेशा कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए मिला. Inspirational idea ये था कि हर इंसान को, चाहे man, woman, and I have spoken to many older people. वो कहते हैं कि 40 साल, 50 साल, 60 साल के बाद भी क्या रह जाता है दिल में, वो आपकी फिजिकल इंटीमेसी जो आपकी प्रेमिका के साथ थी वो भी नहीं याद रहती उसके 40-50 साल में. इतनी परतें पड़ गई उसके ऊपर, उसकी भी याद नहीं रही, उस टच की, उस फील की याद नहीं रही. वो इमोशनल लाइफ में जो आपके साथ में जो हुआ, खींचातानी हुई, जो इमोशनल कनेक्शन हुआ, वो भी इतने सारे लाइफ के झंझावात में भूला जाता है आदमी. लेकिन क्या रह जाता है, वो एक पल, दो पल, जब आप यू टच्ड ईच अदर सोल एंड यू डिस्कवर्ड लाइफ्स स्पिरिचुअलिटी थ्रू दैट कनेक्शन, वो याद, वो एहसास वो जिंदगी भर रहता है. और आप किसी से बात कर लीजिएगा, और मेरे को सबने ये वैलिडेट किया है कि यस, एक वो लड़की थी आज भी, या लड़का था आज भी, किसी मॉल में जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में, ऐसा लगता है कि अभी आ जाएगी सामने, शायद मिल जाए आज वो याद, वो भीनी भीनी उसकी महक आपके दिल में रहती है. वो मिलती है नहीं मिलती. और अगर मिल जाए, जैसे इनकी लाइफ में हुआ, तो क्या वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे क्या? अब वो अपने समाज में है, अपनी अवस्था में है, ये अपने समाज में अपनी अवस्था में है, तो क्या होगा? कैन दे क्लेम ईच अदर? Can the man say to her, look, we have been through a love, through intimacy, you do spend time with me? You cannot. So that dignity, that respect you give to the other person, ki, I care for you, I stand by you, but I will not interfere in your life. All good. So yeah, this is the kind of message that comes. So this is about, I call it classic love. Classic love is that, and I don't know why classic love is never fructified, you know. Just Shiri Farhad ya aap Romeo Juliet ya koi bhi kahani le, to usme ye nahi hota ki Romeo Juliet mil gaye aapas mein. Their love is defined by, jise hum kehte hain bairag, love is defined by yearning. To is film ke andar ek jo overtones hain wo yearning ke overtones hain, aur wo yearning ke overtones aajkal kisi film mein mujhe dekhne ko nahi milte, because
आजकल की फिल्म इज द यंग लव टुडे इज इज इट हैपन्स देर इज लॉट ऑफ इमोशन बट देर इज लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दैट. तो चलिए इस फिल्म में ये देखने को मिलने वाला है. एक काम करते हैं, इसके बारे में और भी मैं बात करूंगा. पहले मनीष शंकर जी चले गए और ये गाना सुनते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे गाने हैं. मैं उससे पहले अपने म्यूजिक डायरेक्टर साहब को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. जी जी अभिक दत्ता जी, हु इज अ सुप्रीमली टैलेंटेड पर्सन, प्लीज कम ऑन द स्टेज. एक काम करते हैं, आप जितने जितने ये कदमे छोटे हैं मत समझना, ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं बंगाल के. ही इज दैट लेवल ऑफ पोएट, लिरिसिस्ट एंड राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर. बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया इन्होंने. आई एम वेरी सेटिस्फाइड दैट आई वेंट टू हिम. एंड आई मैंने बाहर भी बोला था कि कोई और हो ना हो, ये तो डेफिनेटली बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा टैलेंट मिला है इस फिल्म से. क्या बात है, आइए चलिए हम लोग गाने सुनते हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे. या आइए 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 सर, या आइए सर. ओके, तीन मतलब 2 सालों से हम लोग इतने सारे वीडियो कॉल्स किए, फोन में बातें किए और करते ही रह गए. और हर एक गाने के लिए मेरे पास सही से पहले से इंस्ट्रक्शंस थे कि ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए. देखिए ऐसा है कि आज तो सिर्फ म्यूज़िक का लॉन्च है, आप लोग तीनों म्यूज़िक वीडियो देखे, लेकिन ये तो फिल्म का सॉन्ग है, आपको सभी को पता है. तो क्या होता है जब ऐसे सिर्फ गाना सुना जाता है तो सिर्फ उसको एक म्यूज़िक वीडियो के तरह से देखा जाता है, और जब फिल्म देखने के बाद गानों को देखा जाता है तो फिल्म के हिसाब से फिल्म का गाना बनते हैं. तो उसके साथ देखने के बाद उसका परसेप्शन बदलता है. तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप बिल्कुल हम लोगों को बोलिए आप लोगों को कैसा लगा, और फिल्म देखने के बाद कैसा लगा ये भी हम लोगों को बोलिए. रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है तो उसको कहाँ तक आपने उनके म्यूज़िक को उनके वर्ड्स को कहाँ तक उपयोग किया गया? देखिए जिन लोगों को पता है कि यहाँ पे एक गाना जो है जो बीच का सॉन्ग था तो वो तो मिस्टर टैगोर का ही सॉन्ग है, रविंद्रनाथ जी का सॉन्ग है. उसका सिर्फ हम लोगों ने हिंदी में उसको ट्रांसलिटरेशन किया ताकि उसको पूरा उसका जो भाव था उसको रख के हम कर पाए. ये लिरिक को लेके हम लोग बहुत दिन आफ्ताब के साथ बैठे, आफ्ताब आलम ने लिखा ये लिरिक को. तो हाँ रविंद्रनाथ जी की ट्यून लेके तो बात नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही सबका प्यारा. जिन लोगों को पहले से ही पता है कि ये गाना कौन सा है, किसी को पता है ये दूसरा जो गाना सुने हम लोग वो रविंद्रनाथ जी का कौन सा बंगाली सॉन्ग है, किसी को पता है? शायद किसी को पता है वो তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম, তুমি রবে নীরবে. তো এই গানা যো হ্যায় বেঙ্গলি সং উসি কা হিন্দি হম লোগো নে কিয়া অর ইসকা বিলকুল জরুরত থা. পহলে সে হি যোগেশ জি নে কাহা কি ইস সং কা কিউ জরুরত হ্যায় অর यहाँ पे और एक पर्सन मौजूद नहीं है जो हम लोगों का क्रिएटिव डायरेक्टर है सुब्रत चैटर्जी, वो भी है. तो ये इन लोगों ने मिलके मेरा इतना क्लास लिया और मुझे इतना कुछ दिया कि बस सब मिलके हो गए. थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू अभिक, थैंक यू. एक बार जोरदार थाली होनी चाहिए. आओ बैठो. और योगेश जी के 2 दोस्त आए हुए हैं हमारे इंडस्ट्री के, बहुत सीनियर, बहुत प्यारे, बहुत पुराने. पवन मल्होत्रा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए, प्लीज कम ऑन द स्टेज. एंड सक्सेना साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज. दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहिए. क्या बात है, आओ आओ, पुराना याराना लगता है. लो भाई, नहीं सबसे पहले वर्मा जी आप शुरुआत कीजिए इन दोनों के बारे में थोड़ा सा, उसके बाद इनसे बात की जाएगी. हम लोग पुराने टाइम में आई थिंक 75 या 76 से साथ हैं, और पिलानी में एक फेस्टिवल हुआ करता था ओएसिस के नाम से. इट इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट फेस्टिवल इन इंडिया. तो ये लोग एक थिएटर ग्रुप था इनका, ये वहाँ आए. तो जब मैं वहाँ पिलानी में थिएटर करता था तो आपस में हमारे दिल मिल गए. उसके बाद मैंने
कॉलेज पास करने के बाद नौकरी करने के बजाय इनके साथ जुड़ गया और हम स्ट्रीट थिएटर करते थे। बादल सरकार जी हमारे एक तरह से गाइड कम डायरेक्टर कम, तो वो लोग भी वर्कशॉप हमारे साथ करते थे, बहुत सारे प्ले किए। उसके अलावा भी डिफरेंट अदर प्लेस किए, एक हमारा प्ले था दुलारी बाई जिसके साथ हम पूरे हिंदुस्तान में घूमे, पवन वगैरह साथ में थे। तो बीरू और सारा टाइम जैसे यंग लड़के करते हैं, सारा टाइम पड़े रहना, सारा टाइम आवारागर्दी करना, तो मैं इनके साथ फिर धीरे धीरे जैसे सीरियसनेस आई और उन्हीं दिनों सुधीर बॉम्बे आया, सुधीर मिश्रा, फिर ये भी आए, लेकिन मेरे कुछ घर के हालात ऐसे बदल गए कि मैं नहीं ऐसा कुछ कर सका, तो दिल की एक वो हुक रह गई। और बट आई रिमेंबर्ड एंड आई ऑलवेज एनवीड द सक्सेस ऑफ माय फ्रेंड्स एंड देयर डेडिकेशन। बीच में हम कनेक्टेड रहे लेकिन क्योंकि इनकी इंडस्ट्री अलग हमारा अलग, तो आई रिमेंबर द डेज एंड टाइम्स व्हेन वी यूज्ड टू बी फॉर नाइट्स टुगेदर चैटिंग टॉकिंग। और जैसे यंग डेज में थोड़ा रिबेलियस होते हैं, यू नो वी वर मोर लेफ्ट ओरिएंटेड, एंड हमारे प्लेस भी ऐसे जुलूस भोमा इस तरह के बाल सरकार के प्ले होते हैं। अब पता नहीं आपको याद भी है कि नहीं वो सब नाटक करते। अरे वीरू भाई को सब याद है। वीरू भाई आप बताइए जरा वर्मा जी के बारे में। हमारे बीच में एक ही पागल आदमी था जिसका कि नाम था योगेश वर्मा, जो कि ये हैं, हम इनको पागल ही मानते थे और यो यो कहते थे हम इनको, इसलिए क्योंकि इसका एनर्जी लेवल इतना अच्छा था, मतलब जिसका कोई जवाब नहीं था। जब भी आता था तो ऐसा नहीं था कि आप शांति से बैठे रह सकते, हो ही नहीं सकता था, कुछ ना कुछ करते रहना। और पढ़ा लिखा आदमी था तो कोई ना कोई नई चीज़ कुछ ना कुछ दिमाग में इसके चलता रहता था, जो कि इसने इतने टाइम बाद जाकर के प्रूव किया है कि सब कुछ छोड़ के चले जाने के बाद, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहने के बाद भी अचानक फिर दोबारा से उसका वही कीड़ा जागा, उसने कहा मैं तो कुछ ना कुछ करूँगा, और उसने कर दिया और खुद अपने आप में पूरी तरीके से बिना किसी की हेल्प के एक फिल्म प्रोड्यूस की है। और हम इसके साथ हैं, हमें मालूम है बहुत अच्छी फिल्म बनी है, हमने देखी नहीं है लेकिन हमें जितना मालूम है, क्योंकि लगातार जब भी ये कुछ प्लान करता था तो हमारे पास आता था, हमको सुनाता था कि ये लिखा है, ये करना चाहता हूँ। एक और पहले कुछ काम करने वाला था जो कि मेरे ख्याल से शायद इसको रखना पड़ा, क्योंकि कुछ जो कुछ भी एक उसके रीजन्स रहे होंगे वो हमें नहीं मालूम, लेकिन फाइनली इसने इसकी समझ में आया कि किसी और की हेल्प से कुछ काम नहीं हो सकता, इसको खुद ही करना पड़ेगा। एंड ही हैज डन ए वंडरफुल जॉब एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वीरू, गॉड ब्लेस यू। पवन भाई, अधिकतर ऐसा होता है जब कोई फिल्म बनती है, कोई कहानी होती है, तो आपने तो इस इंडस्ट्री को शुरू से लेकर अंत तक अभी तक देखा है, लेकिन ऐसे नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपका दोस्त क्या बोलना चाहेंगे? पहली चीज तो जो आज आप देख रहे हैं, इज फ्रॉम बिट्स पिलानी। इंजीनियरिंग के लिए इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। शुरू में तो हम वहीं मिले थे, ये थिएटर करते थे हम, मैं कॉलेज की तरफ से हम लोग बिट्स पिलानी जाते थे। इट वॉज ह्यूज फेस्टिवल एट दैट टाइम, टुडे आई डोंट नो, बिगर देन IIT मूड इंडिगो, सो यू कैन इमेजिन। इट वॉज लाइक दोज डेज, एक टाइम पे 50-60 कॉलेजेस थे जो पार्टिसिपेट करते थे, आज सुना है काफ़ी 100 तक पहुँच गया है। And for us, it was a big thing to get a trophy from there. तो हम लगा, मैं लगातार 3 साल गया वहाँ, that's where I met him. उसके बाद ये दिल्ली, he was a topper from there, very brilliant student, and he was always interested in theatre. He was a mad guy in theatre. He could do anything on stage suddenly, and as we called him Yo-Yo, all of us. और जैसा कि इन्होंने बोला थोड़ा left, वो तो जब theatre में होते हैं ना तो सब होते हैं, सब ने पैसा बनाया जितने भी लोग थे, और जितने भी लेफ्टिस्ट मैं यहाँ जानता हूँ सब बहुत अमीर हैं। सो बस उसमें ये होता है कि एक थोड़े पीरियड के लिए आपको होना पड़ता है, शायद कुछ चीज़ें सीख जाते हैं आप, उसके बाद फिर ड्रॉप करना होता है। समझदार आदमी यही करता है, जो बहुत चालाक नहीं है ना वो ऐसा ही करता है। तो एनीवे, आज बहुत सालों के बाद ही कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी कि मैं ऐसे एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। अभी देखिए क्या होता है कि एक जब बना ली, उसके बाद मैंने एक स्टेज के बाद बोला अभी इन सब चीज़ों पे पैसे मत वेस्ट कर, जब रिलीज होने वाली होगी ना तब ये सब करना, बिकॉज ही स्पेंडिंग इन ओवर मनी। मैंने फिल्म नहीं देखी है पर आशा करता हूँ कि अच्छी फिल्म है, और जितनी प्रेस यहाँ पर है, जो पीछे लोग बात भी कर रहे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आई डोंट नो हाउ मच इट मैटर्स व्हेन पवन मल्होत्रा रिक्वेस्ट टू द प्रेस, बट अगर आपको ये फिल्म अच्छी लगती है जब भी आपको देखने को मिले,
तो प्लीज सपोर्ट अ फिल्म लाइक दिस. देखिए बड़ी फिल्में आती हैं, उसमें आपको भी भरना है, आपको भी कॉलम भरने होते हैं, वो सब मैं मजबूरी समझता हूँ. लेकिन थोड़ा सा हम सबको अपने अपने प्रोफेशन के साथ एक ईमानदारी जो होती है कि आप अगर ये फिल्म अच्छी है, मैंने देखी नहीं, मैं आशा करता हूँ हरी इच्छा बहुत अच्छी चले, ये फिल्म बहुत अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो. ही इज़ मेड इज सच अ ह्यूज एफर्ट, अपने जेब से सारी ज़िंदगी कमाई डाली है, देखने के बाद ही पता चलेगा. पर मैं फिर से अंडरलाइन करता हूँ, इन केस यू लाइक द फिल्म प्लीज़ सपोर्ट द फिल्म, प्लीज़ डू दैट इफ़ यू लाइक द फिल्म. थैंक यू, थैंक यू. और इतना नहीं बल्कि मुझे लगता है कि उसको फिल्म को इसलिए सपोर्ट किया जाना चाहिए कि इसके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है, ही हैज मेड इट ऑन हिज ओन. और इस तरीके के लोगों को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिनके पास सपोर्ट है उनके पास तो मालूम है एक अच्छी स्टार कास्ट होगी, अच्छे लोग होंगे, उनके पास साथ में प्रेस भी होगी, उनके पास एक पेड प्रेस भी होगी, आई एम वेरी सॉरी टू से. लेकिन इस तरीके के लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनकी फिल्म को देखा जाए. और जो कुछ भी आपकी उनकी फिल्म के बारे में राय है वो लोगों के सामने आनी चाहिए, जो भी आपकी राय है, जिससे कि कम से कम इस तरीके के लोगों को थोड़ा सा एनकरेज किया जाए. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू. आइए, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू, थैंक यू. आइए देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद और भी पूरी स्टार कास्ट से बात करेंगे. वी विल आल्सो हैव द एंटायर कास्ट ऑन द स्टेज. जी जी, अभी ट्रेलर पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिल्म का ट्रेलर देखते हैं. जी जी, आइए.